क्या नज़ारे हैं, आप नीचे गिर जाओगे। वेलकम माई यूट्यूब चैनल व्लॉग्स राहुल पे, एक फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज मैं आप लोगों को लेके आया हूँ चौरागढ़। इस तरह से चलना है हम सबको आराम से, धीरे धीरे प्राकृतिक नज़ारे को देखते हुए। चलिए, जो छत्तीसगढ़ है पहले मध्य प्रदेश हुआ करता था, लेकिन 2000 में अपना राज्य बना छत्तीसगढ़। यहाँ पे इतने श्रद्धालु हैं कि रात को यहाँ पे ट्रैकिंग करके जाते हैं केवल आरती देखने के लिए। अपनी अपनी जो भी श्रद्धा है, जो भी मनोकामना है, उनकी पूरी हो जाती है। तो वो बोलते हैं कि वहाँ पे त्रिशूल भी चढ़ाते हैं, तो मैं आप लोगों को दिखलाऊंगा जब वहाँ पहुँचता हूँ। तो पहले नज़ारा देखिए, इस तरह से सब जा रहे हैं आ रहे हैं। पथरेली है इस साइड, ये शुक्र है कि इस साइड छाँव है। अगर धूप होता तो हालत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है हम लोगों की। श्रद्धालु जा भी रहे हैं, आधे से ज़्यादा श्रद्धालु आ भी रहे हैं दर्शन करके। चलिए आगे और बढ़ते हैं और देखते हैं। अब यहाँ से थोड़ा दूर के बाद में सीढ़ियाँ चालू होने वाली हैं, तो चलिए सीढ़ी का भी अब आनंद उठाएंगे हम लोग। हम लोग वहाँ से आए हैं इस साइड से, यहाँ पे दो रास्ते हैं, तो ये वाली रास्ते में नहीं जाना है, सीधे ही आप लोगों को चलना है चौरागढ़ के लिए। चलिए, ये है चौरागढ़ मंदिर मार्ग, ये आ गया अपना सीढ़ी। हम लोग वहाँ से होते हुए आए हैं। 1300 सीढ़ी है कि 1500 सीढ़ी है कुछ कंफर्म नहीं है, बस हम लोगों को बताऊंगा मैं अपनी सीढ़ी ऊपर जाके। मतलब कि वो पहाड़ को देख के ऐसा लग रहा है कि ये मैं चढ़ पाऊँगा कि नहीं चढ़ पाऊँगा, क्योंकि वो जो पहाड़ है बहुत ज़्यादा ऊपर में है और हम लोग अभी नीचे जा रहे हैं। नीचे से फिर हम लोगों को ऊपर चढ़ना है, पता नहीं कैसा होगा, ये दिखलाता हूँ आपको। यहाँ पे दुकानें भी लग चुके हैं, कुछ दुकानें भी लग रहे हैं खाने पीने के। मैं आपको पहाड़ को फिर से दिखलाऊँगा कितना ऊपर में हम लोगों को चढ़ना है। अभी कुछ जगह सीढ़ियाँ हैं, कुछ जगह नहीं है, और मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेन सीढ़ी अभी स्टार्ट हुई है कि नहीं है। इस तरह से अभी चले जा रहे हैं। पहाड़ों से पूरा घिरा हुआ है ये भी। यहाँ पे अगर पूजा सामग्री लेना चाहते हैं तो नारियल यहाँ पे उपलब्ध है, क्योंकि यहाँ से अब चालू हो जाता है सीढ़ी। अब अग्नि परीक्षा यहाँ से चालू होने वाली है हम सब की। चलिए आप लोगों को दिखलाएंगे। आ गए हैं हम पहाड़ चढ़ने के लिए सीढ़ी के थ्रू, क्योंकि सीढ़ी जो बनी हुई है पूरी पहाड़ के ऊपर बनी हुई है। चलिए यहाँ पे दर्शन करते हैं, आगे बढ़ते हैं। जय श्री संभव। जय श्री संभव। चलिए देखें, जो वापस आ रहे हैं वो तो इतना खुश नसीब है कि इतनी पहाड़ को चढ़ के भगवान शिव का दर्शन करके वापस आ रहे हैं। हम भी करेंगे, टाइम लगे तो लगे, लेकिन दर्शन करके ही आएंगे अच्छे से। चलिए, ये वाला शॉर्टकट हम लोग फिलहाल अपनाते हैं, अगर इस तरह से कुछ मिलता है तो, ताकि हम लोगों को सीढ़ी ना चढ़ना पड़े। दादा लोगों को देखो सामान लेके जा रहे हैं। अभी हम लोग इतनी सीढ़ी चढ़े हैं, अगर आप सीढ़ी नहीं चलना चाहते हो तो ये वाली जो रोड है आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन थोड़ी सी ये खड़ी चढ़ाई है, उन्हें स्लिप हो सकता है, लेकिन मैं सीढ़ी के थ्रू चढ़ूंगा। थोड़ा सा सीढ़ी घुमावदार है। चलिए इधर से चलते हैं, रिक्स नहीं लेना है। जय भोलेनाथ। यहाँ पे क्या देखो, कहाँ दिए सीढ़ी, देखो खड़ी सीढ़ियाँ हैं।
हालत खराब होती जा रही है। यहाँ पे काली माता बनी हुई है और जो भी दान देना चाहते हैं आप दे सकते हैं, चाय कॉफ़ी पानी का बोतल स्नैक वगैरह आप लोगों को मिल जाएंगे जी। अभी सीढ़ी ख़त्म है, इस साइड फिर चलना है, चलिए आगे बढ़ रहे हैं। इसमें सारे लोग आ रहे हैं, इस साइड माला वगैरह की दुकानें लगी हुई है, अच्छे अच्छे लेने के लिए माला है। चलिए ये अच्छी बात है, यहाँ पे बीच में सीढ़ी है, बीच में इस तरह से रोड दिया गया है ताकि आप थक जाते हो तो आप लोगों को किस तरह का रोड मिलेगा तो आसानी हो जाएगा चलने में। तो यहाँ से अपना फेस चालू हो जाता है सीढ़ी, टोटल समझ में नहीं आ रहा है कितनी सीढ़ियाँ, कोई बोलते हैं 800 के आसपास में है, कोई बोलते हैं 1300 है, कोई बोलता है 1500। तो यहाँ भी आप टी कॉफ़ी ले सकते हैं और इस साइड में है गुफा, तो इस साइड भी आप लोगों को मैं दिख रहा हूँ। बहुत मस्त लग रहा है यहाँ पे, ठंडा ठंडा पूरा नज़ारा हम लोगों को दिखा देता हूँ। अंदर साइड में गुफा है, ये देखो इस साइड में गुफा है, पता नहीं कहाँ जाता है नीचे, पानी भरा हुआ इस साइड। चलिए अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ से सीढ़ी हम लोगों को चढ़ना है। पसीने निकल गए भाई अपने, हाथ में पानी का बोतल ज़रूर पकड़िएगा आप, कुछ खाने का भी पकड़ सकते हो क्योंकि आपको भूख भी लगेगी प्यास भी लगेगी। वो अच्छी बात है यहाँ पे दुकानें हैं बीच बीच में, आप लोगों को मिल जाएंगे। चलिए अब आगे और बढ़ते हैं, यहाँ पे सब बैठे हुए हैं लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि बैठने से शरीर और जल्दी थकते जाता है। और आप लोगों को मैं दिखलाता हूँ अपने को जाना कहाँ है, वो जो मंदिर दिख रही है वहाँ जाना है, वही चौरागढ़ फिर से नीचे उतरना है। लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है ना, यहाँ से पूरा पहाड़ के ऊपर चढ़ना अपने को। चलिए फिर से नीचे उतरते हैं, ऐसे ही आप लोगों को मिलेगा ऊपर नीचे कि ये पूरा पहाड़ पे बना हुआ है। उतरते समय बहुत ज़्यादा दिक्कत होगा, कई लोग उस साइड से भी आ रहे हैं। आप लोगों को मज़ा भी आने वाला है यहाँ पे कि इस तरह से आप पहाड़ों के किनारे किनारे आप निकलोगे। दूसरी बात यह है थकावट भी महसूस होगी, यानी कि सब कुछ मिलेगा आपको। चलिए जय भोलेनाथ। यहाँ भी है दुकानें, थोड़ी कंगन और ये पहाड़ देखो, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो गर्मी लग रही थी हमें ठंडा ठंडा लग रहा है, यहाँ पे पानी कैसे भर रहे हैं, पहाड़ों से रिझ रहा है। छोटा गिलास 10 रुपये, बड़ा गिलास 20 रुपये लस्सी। आप लोगों को यहाँ का व्यू दिखलाता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, आई होप कि आपको भी पसंद आएगा। ये है पूरा व्यू, देखिए पहाड़ चारों तरफ पहाड़ों से घिरे हुए हैं, इस साइड भी देखिए, सामने भी देखिए, क्या नज़ारे हैं भाई, क्या नज़ारे हैं, औसम नज़ारा है। अभी हम लोगों को उस टॉप में चलना है, देखो वहाँ पे सब जा रहे हैं, यहाँ से होते हुए जाना है हम लोग को वहाँ। लेकिन नज़ारे देखिए भाई, पूरे पैसे इसी के हैं, वाह यार दिल खुश कर दिया इस नज़ारे ने। मैं तो बोलूँगा बिल्कुल प्लानिंग बनाइए, किसी भी सीज़न में आप आ सकते हो। मैं श्रद्धालु आए हैं, अभी कोई सीज़न नहीं है, फिर भी ये नज़ारा देखिए, क्या नज़ारे हैं। चौरागढ़ बहुत ज़्यादा फेमस है पंचमढ़ी में, फिर से सीढ़ी मिल गई है हमें,
सीढ़ी नहीं मिलना चाहिए यार, इस तरह से बस रहता तो सरल हो जाता हम लोग के लिए। यहाँ पे मराठी लोग बहुत ज़्यादा हैं, मतलब कि दर्शन करने के लिए आते हैं इस साइड। नींबू पानी पी सकते हो आप यहाँ पे, जगह जगह नींबू पानी मिलेंगे आपको। इसको बोलते हैं मठ बोलते हैं ना, खट्टा लगता है ये। हाँ, एक गिलास 10 रुपये का। हाँ, तो आप भी पिएगा भाई साहब के पास में आके, चौड़ागढ़ जब भी आओगे तो। हाँ जी, तो यहाँ पे जो मठ पिए हैं हम लोगों ने, अच्छा लगा ना? तो हम दोनों को अच्छा लगा, तो 10 रुपये में कोई बुरा नहीं है, अच्छा मस्त ठंडा लगेगा आप लोगों को। वाओ, इस सच तो और ही गजब दिख रहा है। आप खुद सोचिए, जब यहाँ पे आप आओगे आपको एक अलग ही फीलिंग महसूस होगी। यहाँ अभी चलना है हम लोगों को, देखो पहाड़ किनारे किनारे सब जा रहे हैं। सीढ़ी देखा जाए तो कम है, इस तरह का चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा मिलेगी जिसमें आप लोगों को थकावट नहीं लगेगा। ये अच्छा काम किया यहाँ पे मध्य प्रदेश सरकार ने। अगर कुछ खाना चाहते हैं जैसे पल्ली है, सबसे आपको मक्की की रोटी भी मिल जाएगी। वो क्या ठंडा ठंडा हवा चल रहा है, मज़ा आ गया। हम लोगों को और आगे बढ़ना है, तो मैं व्यू दिखलाता हूँ आप लोगों को। ये देखिए भाई साहब, व्यू देखिए, जा रहा है। ड्रोन की भी जरूरत नहीं है, चारों तरफ मेला जी मेला। तो ये है मंदिर, चलते हैं इस साइड। फिर से हमें मिल गई सीढ़ी, और पीछे का जो व्यू है वो ऑसम व्यू है। ऊपर चढ़ के आप लोगों को एक बार फिर से दिखलाऊंगा। सीमेंट की भी सीढ़ी है, तो हम लोग सीमेंट की सीढ़ी का ही इस्तेमाल करेंगे। आप लोगों को यहाँ से एक बेहतरीन वाला व्यू दिखलाता हूँ, पूरा व्यू ऊपर से नज़ारे हैं, गजब के नज़ारे हैं। अगर आप सीढ़ी में इस तरह से खड़े होकर जब देखो गया ऐसे लगेगा आप नीचे गिर जाओगे। आपको थोड़ा सा दिखलाता हूँ मैं, ये देखिए। आपको कुछ खाने पीने के सामग्री मिल जाएंगे, खाना पीना हो तो। कुछ सीढ़ियाँ और बची हुई है, कुछ क्या बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ बची हैं, कि अपने को जाना है यहाँ जो वाइट जो दिख रहा है वहाँ जाना है। देखो कितनी खड़ी चढ़ाई है सीढ़ियों पे, यहाँ से टेढ़े मेढ़े करके हम लोगों को मंदिर में जाना है, चौरागढ़ मंदिर। अभी सीढ़ियाँ और बची हुई है, अभी हम लोगों को वहाँ चढ़ना है। नज़ारे देखिए एक बार फिर से, बस ज़्यादा दूर नहीं है अभी, किसी को बस पार करना है हम लोगों को। देखो जिसकी मन्नत पूरी हो जाती है त्रिशूल लेके आते हैं हम, भगवान के चढ़ाते हैं, उसके बाद फिर वापस लेके जाते हैं। बस थोड़ा सा बचा हुआ है चौरागढ़ मंदिर पहुंचने के लिए, बस मंदिर के पास आ गए हैं। जितनी भी सीढ़ी आपको नज़र आ रही है बस थोड़ा सा और बचा हुआ है। हम लोग कहाँ से आए हैं, रोड पे गिरे हुए हैं, और क्या नज़ारे हैं, एकदम सुकून देने वाला नज़ारा है। लेकिन उससे कई गुना आप थक भी जाओगे, और यही चीज़ आप लोगों को थकावट दूर करेगी। चारों तरफ पहाड़, भी कुछ ज़्यादा नहीं बची है, थोड़ी सी बची हुई है बस। यहाँ भी आप लोगों को ऊपर में खाने पीने के सामग्री मिल जाएंगे, अगर आप नाश्ता करना चाहते हो तो। पूरे यहाँ पे नींबू पानी, नाश्ते सब आपको मिलते रहेंगे, तो आराम से धीरे धीरे आप यहाँ तक पहुँच सकते हो। ऊपर में कितनी ज़्यादा भीड़ है, सब दर्शन करके आके कुछ लोग बैठे हैं, कुछ लोग थक के बैठे हुए हैं, मतलब जाते समय। ऊपर में भी आप प्रसाद ले सकते हो चढ़ाने के लिए,
और ये लास्ट पॉइंट है। तो ये चलते हैं सरस सिगड़िया बोलेना, बस सीढ़ी बची हुई है मेन। फाइनली दोस्तों हम लोग पहुंच गए हैं चौरागढ़ मंदिर, अब आप लोगों को दिखलाने वाला हूं। यहां भी आप लोगों को प्रसाद मिल जाएगा चढ़ाने के लिए। यहां पे उतारते हैं माथे और चप्पल। तो ये सामने में है मंदिर, चौरागढ़ मंदिर। जो आपको मेडिटेशन नज़र आ रहे हैं वो उन भक्तों का है जिनकी मनोकामना पूर्ण हो जाए, और इसी के लिए लोग इतनी दूर चढ़ के आते हैं जैसे कि हम भी चढ़ के आए हैं। चलिए अंदर का नज़ारा हम लोगों को दिखलाते हैं, तो परमिशन देते हैं वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, तो बिल्कुल अंदर दिखलाएंगे आप लोगों को। मंदिर आप पहले देख लीजिए, चढ़ाते हैं। आप कुछ भी चढ़ा सकते हो, तो आप इनकी भी पूजा कर सकते हो। हर हर महादेव सब बैठे हुए हैं पूजा करके। यहाँ पे आप लोगों को दिखलाने वाले हैं, पूरा दृश्य दिखलाने वाले हैं। बहुत सुकून भरा है ये, आपको मंदिर में अंदर घुस के दिखलाया हूँ। ये बाहर का आप मंदिर देख लीजिए कैसा दिखता है, तो इस तरह से बना हुआ है मंदिर मंदिर। इस तरह से अंबा माई बैठी हुई है, ये सामने में अंबा माई है, तो इनका भी दर्शन कर लीजिए अंबा माई का। यहाँ भी बहुत सारे भगवान हैं, शंकर भगवान हैं, गणेश भगवान हैं, हनुमान जी हैं। एक चक्कर ले लेता हूँ मैं। ये ज़्यादा हो जाने की वजह से अभी श्रद्धालु बन को बोला जाते हैं कि त्रिशूल को आप चढ़ाइए और फिर आप वापस लेके जाइए। यहाँ पे सब पूजा कर रहे हैं, पूजा अर्चना कर रहे हैं। इस साइड है पूरा व्यू पॉइंट जो आप लोगों को दिखलाते हुए आया हूँ। अब सबसे टॉप में हैं हम लोग, तो यहाँ से देखते हैं चारों तरफ पहाड़ बड़े बड़े पहाड़। अभी हम लोग को वापस यहाँ से हम लोग ऐसे करके घूम के आए, ये देखते हैं दिख रहे हैं सब से भी आए हम लोग। चौरागढ़ महादेव का हमने दर्शन करके आ गए हैं। आई होप कि आपने भी घर बैठे दर्शन किए होंगे। तो चलिए अब उतरने की बारी है, चढ़ तो गए हैं, अब उतरने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। अभी हम लोग नीचे आ गए हैं सीढ़ी से उतर के, लेकिन अभी और सीढ़ी बची हुई है जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी ये क्या बोलते हैं मक्के की रोटी है वो खाने वाले, आप लोगों को दिखलाते हैं। वैसा देव ने यहाँ पे मक्के की रोटी बन रही है। ये दादा काय का चटनी है दादा, भेज रहा बारीक बारीक टमाटर, टमाटर टमाटर की चटनी है। तो खा के बताइए कैसा लग रहा है, ये चटनी के साथ में इसको खाया जाता है, टमाटर की चटनी है ये। ठीक है, तो आप भी जब भी आप चौरागढ़ आओगे तो इस चीज़ को जरूर खाइएगा, 20 रुपये है एक। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।